उदयपुर जिले के मोहनलाल सुखड़ा विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा के पद पर भर्ती किए गए डांगी समाज के लोगों को हटाने पर जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। आपको बता दें, उदयपुर में आज जिला कलेक्टर को एक मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि विश्वविद्यालय सुखाड़िया द्वारा गठित असंवैधानिक चयन समिति द्वारा जून 2018 में सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा के पद पर डॉक्टर भीमराज पटेल और डॉक्टर हेमराज सिंह चौधरी को चयन अनुशंसा और प्रबंधन मंडल के अनुमोदन के पश्चात नियमानुसार प्रदान की गई। उक्त दोनों कार्मिकों को 11/6/2018 को आदेश क्रमांक के तहत नियुक्ति दी गई थी। नियुक्ति दिनांक से दोनों कार्मिक विश्वविद्यालय में नियुक्त पद पर कार्यरत रहे। उक्त दोनों कार्मिकों को वर्तमान में कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह द्वारा विगत एक वर्ष से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। उक्त दोनों कार्मिकों को 2 जून 2021 नियम के विरुद्ध कार्यमुक्त कर दिया गया है। इसी बात को लेकर के आज डांगी पटेल समाज द्वारा जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम और राज्यपाल के नाम भी ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही दोनों पटेल समाज के लोगों को पुनः बहाल करने की मांग भी की गई है। संगठन के प्रभारी किसान नेता विष्णु पटेल के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है। इस अवसर पर संगठन के संयोजक नरेंद्र डांगी, दुर्गेश पटेल, एडवोकेट दिनेश पटेल, अंबालाल डांगी, समाज के सैकड़ों युवा मौजूद रहे। संगठन के नेतृत्व में हमारे समाज के डॉक्टर भीमराज डांगी को मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति अमेरिक सिंह द्वारा प्रताड़ित करते हुए पदमुक्त कर दिया है। इसके विरोध में उनको न्याय मिले, इसके लिए हमने आज ज्ञापन दिया है। युवा संगठन के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी बुनकर साहब को ये ज्ञापन सौंपा है। और हम मांग करते हैं, इस तरह से किसी भी चुनिंदा कर्मचारी या अधिकारी को पदमुक्त करना ये हठधर्मिता का परिचय है। ये अंजना युवा संगठन, हमारे समाज के संगठन कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। आज तो हमने सिर्फ ये शांति रूप से ज्ञापन दिया है। अगर 7 दिवस के अंदर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और पुनः बहाली नहीं होती है डॉक्टर भीमराज डांगी और हेमराज राम चौधरी को पुनः बहाल नहीं किया जाता है, तो संगठन आगे कड़ी कार्रवाई करेगा।